आज हमने एक और नई रेसिपी बनाई है। हेलो, स्वागत है मम्मी की रसोई में। चलते हैं मम्मी की रसोई में। नमस्कार, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू। इनको मैंने थोड़ा बारीक घिसा हुआ है। ये देखिए, हमने इसको घिस लिया था। आप इनको हाथ से भी काट सकते हैं। ये देखिए, आपको इतना रखना है इनको। अब इधर डालूंगी मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसमें इनको हमने धो लिया था आलूओं को, इनका पानी निचोड़ के एक बाउल में रख लिया है। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लावर, है ये 4 चम्मच, टेबलस्पून है ये। आपको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, इसमें एकदम से सारा नहीं डालना। अब ये बचा हुआ भी इसमें डाल दूंगी। आपका ये सब पीस पे रख जाना चाहिए। एक तरफ मैंने गैस पे तवा गरम करने रख दिया है। अब इसे इसकी फ्लेम मैंने कम कर लिया गैस की। तवे पे आपको थोड़ा सा रिफाइंड लगा लेना है चारों तरफ अच्छी तरह से। आपको थोड़ा सा मोटी ही तली का बर्तन यूज़ करना है इसमें, तवा या पैन जो भी आप यूज़ करें। अब आपको आलूओं को पास पास रखना है, थोड़ा सा इनको जॉइंट करते हुए रखना आपको। हमने सारे आलू को जॉइंट करके रख दिया है। देखिए, अब इनके ऊपर से आपको रिफाइंड ऑयल डाल लेना है। आपको इनकी गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं करनी, नहीं तो वो जल सकते हैं। और जब ये सिक जाएंगे एक तरफ से तो आप उनको पलट लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा इनका शेप और कलर आया है। ये देखिए, ये देखिए हमारी आज की नई रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो ये थी आज की रेसिपी। लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाय।